अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मोमिनज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड केक। सॉफ्ट बहुत बनता है, तो ये रहा कस्टर्ड पाउडर। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। यहाँ पे 1 लीटर दूध है। कस्टर्ड पाउडर को मैंने 1 कप में मेजरमेंट करके निकाली है। 1/2 कप शक्कर, आलमंड है गार्निशिंग के लिए, यहाँ है पाइनएप्पल का कपकेक और चॉकलेट का कपकेक। ये भी आपको कहीं भी शॉप में अवेलेबल मिल जाएगा, बॉक्स में या तो पैकेट्स में मिलता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 1 लीटर दूध एक छोटे से टोप में मैंने निकाल चुकी हूँ, और मैं इसे यहाँ पे अब डालूँगी शक्कर। शक्कर जो है वो मैंने फुल कप भर कर ले ली हूँ। 1/2 कप में है, वो भी थोड़ा आधा कम, क्योंकि केक में ऑलरेडी मिठास होती है और मेरे घर में ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं। यहाँ पे है गैस फुल फ्लेम पे, यहाँ पे है केक टिन। अब जब तक दूध गर्म होता है मैं आपको यहाँ बताती चलूँ। यहाँ केक टिन है, मैं यहाँ पे कप केक को, वैनिला कप केक और चॉकलेट कप केक को इस तरह से पाउडर फॉर्म में बनाऊँगी। हाथों की मदद से मैंने केक जो मैंने तोड़ी थी उसका पाउडर बना के मैंने इसे हाथों की मदद से प्रेस करी हूँ। आप चाहे तो कटोरे से भी आप इसे दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, प्रेस डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी 10 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पे दूध को अच्छा खासा उबाल आ चुका है। यहाँ पे मैंने गैस को कर दी हूँ लो फ्लेम पे। थोड़ा इसे मैं और पकाऊँगी 5 से 10 मिनट। अब यहाँ पे मैं लूँगी 1 कप कस्टर्ड पाउडर, ये वैनिला का फ्लेवर है, और मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, और यहाँ पे विस्क की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा आपको पानी डालना है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम से नहीं डालना है, वरना ये पतले फॉर्म में आ जाएगा। ये यहाँ पे जो मैंने बनाई हुई ना, ये ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। अब यहाँ पे दूध में अच्छा खासा उबाल आ चुका है और स्लो फ्लेम पे मेरा दूध है। यहाँ पे गैस आपको बंद नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है आपको, और यहाँ पे विस्क की मदद से आपको फास्ट हिलाना है दूध को, वरना ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये लम्स बन जाता है दूध में। मैं इसे कंटिन्यूसली चला रही हूँ। मैंने 5 मिनट तक कंटिन्यूसली विस्क की मदद से इसे हिलाती रही। यहाँ पे मैं अब गैस बंद कर दूंगी और इसे मैं रूम टेम्परेचर पे लाऊंगी, लेकिन इसे 10% आपको गर्म रखना है। अब मैं यहाँ पे लूंगी कपकेक, वैनिला और चॉकलेट दोनों का। इसे मैं इस तरह से पीसेस बनाऊंगी हाथों से। तो वैनिला और चॉकलेट को मैंने 1/2 1/2 कर दी हूँ ताकि इसके मैं अच्छे से लेयर बना सकूँ। यहाँ पे है अब जो मैंने दूध और कस्टर्ड को बनाई हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाएगी क्रीमी फॉर्म पे, और ये 10% गर्म है। यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में जो रखी थी केक टिन वो मैंने निकाल चुकी हूँ, और यहाँ मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड मिल्क जो मैंने क्रीम फॉर्म में इसे मैंने बना चुकी हूँ। अब इसकी मैं एक लेयर बनाऊंगी। अब यहाँ पे जाएगा वैनिला का केक जो मैंने हाथों से इसे पीसेस करी थी। इस तरह से आपको इसकी एक लेयर बनानी है। यहाँ पे मैंने पूरा केक की लेयर एक बिछा चुकी हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाथों की मदद से इसे प्रेस करना है। अब यहाँ पे जाएगा सेकेंड लेयर। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कटे हुए बारीक बादाम। आप चाहे तो दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके ऊपर जाएगा चॉकलेट का कप। इसे मैं थोड़ा सा बारीक फॉर्म में डाल रही हूँ। इस तरह से आपको इसे भी पूरा लेयर बिछाना है।
तो यहाँ पे मैंने दो से तीन लेयर लगा चुकी हूँ और इसे मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। और अब यहाँ पे जाएगा ब्राउन कपकेक और वैनिला कपकेक, जिसे मैंने पाउडर के फॉर्म में मैंने बना चुकी हूँ। ये इस तरह से मैं इसे ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने केक कर चुकी हूँ सेट और थोड़ा बहुत डेकोरेट कर ली हूँ केक और आलमंड से। मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो तैयार है यहाँ पे सॉफ्ट कस्टर्ड केक, जो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है फ्रिज में सेट होने के लिए। बच्चों को भी खिलाए और ख़ुद भी ट्राई करें, ये बहुत अच्छी और सिंपल रेसिपी है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी टाइप केक बना है। कुछ लोग इसे ट्रफल भी कहते हैं, लेकिन मैं इसे कस्टर्ड केक बोलती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा घर पे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे ज़रूर कमेंट करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।